Very, very good morning and welcome to my online classes. I am Dr. Ashok Yadav और हम बात कर रहे हैं phylum Chordata के विषय में. पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने phylum Chordata के सब phylum Vertebrata के division Ethoistomata के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था. संक्षिप्त परिचय के विषय में हमने जाना था. आज आइए हम इनके विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं. तो बच्चों समय जाया न करते हुए सीधे हम टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं नेथोइस्टोमेटा के विषय में. तो द टर्म नेथोइस्टोमेटा इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नेथोस इक्वल टू जा एंड स्टोमा इक्वल टू माउथ. अर्थात बच्चों नेथोइस्टोमेटा एक ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जबड़े युक्त माउथ पाए जाते हैं, जबड़े युक्त मुख पाए जाते हैं. तो आइए इनके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं कि क्या इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं, अर्थात ये किस प्रकार से डिफर हैं अग्नेथा से. तो बच्चों इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को हम जाने, दे आर एडवांस क्रेनिएट्स जॉड वर्टिब्रेट्स हैविंग टू जॉ पेयर्ड अपेंडिजेस एक्सोस्केलेटन पेयर्ड नेरिस दैट इज द नॉस्ट्रिल्स एंड डिस्टिंक्ट पैंक्रियास एंड स्प्लीन. अर्थात बच्चों ये एडवांस क्रेनिएट्स होते हैं, एक प्रकार से क्या है एडवांस क्रेनिएट्स हैं, ये अग्नेथा से ज्यादा एडवांस हैं, जिनमें क्या क्या पाया जाता है अर्थात इनमें जॉ पाई जाती है, जबड़े पाए जाते हैं, पेयर्ड अपेंडिजेस, अपेंडिजेस के रूप में बच्चों पिछले वीडियोस में हमने बात किया था अपेंडिजेस के रूप में. अभी आगे पढ़ेंगे नेथोइस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द अपेंडिजेस के आधार पर ही. तो उनमें जो अपेंडिजेस आप पढ़ेंगे तो उनको दो सुपर क्लास में बांटा गया है, सुपर क्लास पीसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा. तो पीसेस में बच्चों जो अपेंडिजेस के रूप में कार्य करते हैं वो है फिन्स, जबकि टेट्रापोडा में जो अपेंडिजेस कहे जाते हैं वो लिम्स कहे जाते हैं, जैसे अपर लिम एंड लोअर लिम. ठीक बच्चों, तो ये हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं. इनमें और क्या पाया जाता है बच्चों, एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन के रूप में हम देखेंगे पीसेस में जो पाया जाता है उसमें स्केल्स पाए जाते हैं, और जब आप टेट्रापोडा में जाएंगे तो उसमें क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं, क्लॉ पाए जाते हैं. ठीक बच्चों, नेल्स पाए जाते हैं. इस प्रकार से बहुत सारे एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं. पेयर्ड नेरिस, नेरिस बच्चों आप जानते होंगे जैसे हम लोगों के नाक के नीचे देखिए दो ओपनिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, नेदल ओपनिंग कहते हैं. ठीक इसी प्रकार से जैसे आप पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस कर चुका है कि अग्नेथा में जो नॉस्ट्रिल्स पाई जाती थी वो बीचों बीच एकदम मीडियन में एकदम बीच में पाया जाता था, केवल एक सिंगल नॉस्ट्रिल्स होती थी, सिंगल नेरिस पाई जाती थी, जबकि नेथोइस्टोमेटा डिफर है अग्नेथा से. क्या कैसे, क्योंकि इनमें डबल नेरिस पाई जाती है, अर्थात पेयर्ड नेरिस पाई जाती है, दैट इज द नॉस्ट्रिल्स. इनमें लेटरली अर्थात दोनों साइड, लेटरल साइड में दोनों तरफ नेरिस होती है, तो इनमें पेयर्ड नेरिस पाई जाती है. डिस्टिंक्ट पैंक्रियास एंड स्प्लीन, इसमें क्या होता है पैंक्रियास और स्प्लीन वेल डेवलप्ड होते हैं. अगला कैरेक्टरिस्टिक के विषय हम जाने बच्चों, तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय फुल्ली डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम. अर्थात जो नेथोइस्टोमेटा होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड पूर्ण रूप से रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है, अर्थात इनमें नोटोकॉर्ड की जगह क्या पाया जाता है वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है. इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, अर्थात कॉर्डेटा का ही कैरेक्टरिस्टिक जो होता है हायर कॉर्डेट में ये होता है कि नोटोकॉर्ड क्या होता है यही रिप्लेस होकर एडल्ट फेज में क्या बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करता है. आगे देखिए 10-12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स, इनमें क्या होता है अर्थात 10-12 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है. ठीक, तो जो हायर नेथोइस्टोम्स होंगे उसमें 12 पेयर्स पाए जाएंगे, जो लोअर होंगे उनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स पाई जाएंगी. डबल ऑल्फैक्टरी सैक, क्योंकि डबल इसमें नेरिस पाई जाती है, डबल नॉस्टिल्स होता है, इसलिए बच्चों इसमें डबल ऑल्फैक्टरी सैक भी पाई जाएगी. इंटरनल ईयर हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनके अंतःकर्ण में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं. पेयर्ड गोनड्स एंड गोनोडक्ट्स, इनमें एक जोड़ी गोनड्स पाई जाएंगी और जिसमें गोनोडक्ट भी पाया जाएगा, वेल डेवलप्ड गोनड्स होता है और वेल डेवलप्ड गोनोडक्ट पाया जाता है. क्यों, क्योंकि इनके गैमेट्स को ले जाने के लिए इनमें नलिकाएं होती हैं जिनको हम गोनोडक्ट कहते हैं. तो एक जोड़ी गोनड्स के साथ इनमें गोनोडक्ट भी पाई जाती हैं, अर्थात वो नलिकाएं भी पाई जाती हैं. फर्दर नेथोइस्टोमेटा इज डिवाइडेड इंटू 2 सुपर क्लासेस. जैसा कि मैंने बच्चों अभी बात किया है कि नेथोइस्टोमेटा को दो सुपर क्लासों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द अपेंडिजेस. किसके आधार पर, अपेंडिजेस के आधार पर इनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है. पहला है सुपर क्लास पीसेस, बियर स्पेस अर्थात पीसेस, जिसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं और मछलियों में क्या होता है बच्चों अपेंडिजेस के रूप में फिन्स पाया जाता है. जबकि दूसरा सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है इनमें अपेंडिजेस के रूप में लिम्ब पाया जाता है, अपर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब. ठीक बच्चों, तो वो नेथोइस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ द अपेंडिजेस. द पीसेस हैव द अपेंडिजेस सच एज द फिन्स एज वेल एज द टेट्रापोडा हैविंग द लिम्ब्स.
आगे बच्चे बात करते हैं, ऑल द फिशेस एंड फिश लाइक एक्वाटिक नेथोस्टोम्स आर प्लेस्ड इन सुपर क्लास स्पीसीज, वेयर एज ऑल द फोर फुटेड टेरेस्ट्रियल नेथोस्टोम्स प्लेस्ड इन द सुपर क्लास सेट्रापोडा। बच्चों फिश अर्थात मछलियां या मछलियों जैसे दिखने वाले जो जलीय नेथोस्टोम्स होते हैं उनको सुपर क्लास स्पीसीज में रखा गया, जबकि फोर फुटेड अर्थात चार हाथ पैर वाले जो स्थली नेथोस्टोम्स हैं उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों थोड़ा सा हम एक नजर में हम देखते हैं इनके डिवीजन को। तो बच्चों द डिवीजन नेथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द जॉ। ठीक है ना बच्चों, अर्थात सॉरी इनमें जो नेथोस्टोम्स होते हैं बच्चों अग्नेथा से नेथोस्टोमेटा किस प्रकार से डिफर है। अग्नेथा में जबड़े नहीं पाए जाते हैं जबकि नेथोस्टोमेटा में क्या पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। तो इनको डिवीजन नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द अपेंडिजेस के आधार पर। तो देखिए पहला जो सुपर क्लास है वो पीसेस जिसमें अपेंडिजेस के रूप में फिंस पाया जाता है, दूसरा जो है टेट्रापोडा जिसमें अपेंडिजेस के रूप में लिम्स पाया जाता है, जैसा कि मैंने बात किया फोर लिम एंड हाइंड लिम। आगे बच्चों जो ये पीसेस हैं इनको फिर तीन क्लास में बांटा गया है अर्थात प्लैकोडर्माई, कॉन्डिकथाइस एंड ऑस्टिकथाइस। प्लैकोडर्माई के जितने भी मेंबर्स हैं बच्चों ये सब विलुप्त हो चुके हैं, ये विलुप्त प्राय प्राणी हो गए हैं। अब जो हम पढ़ते हैं मछलियों में कॉन्डिकथाइस एंड ऑस्टिकथाइस। कॉन्डिकथाइस में हम ऐसे मछलियों को पढ़ते हैं जो समुद्री मछलियां होती हैं अर्थात ये समुद्र में रहती हैं, और ये कॉटलेजन अर्थात इनका जो इंडोस्केलेटन होता है बच्चों वो कार्टिलेज का बना होता है। इनकी अंतः कंकाल जो होती है किससे बनी होती है, अर्थात कार्टिलेज की बनी होती है। जबकि ऑस्टिकथाइस बोनी फिशेस इनका जो अंतः कंकाल होता है वो बोन्स का बना होता है, हड्डियों का बना होता है। अंतर बच्चों इसमें यह है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनको वो क्लास कॉन्डिकथाइस के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, और इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। जबकि ऑस्टिकथाइस में हम बोनी फिशेस को पढ़ते हैं और इनका जो अंतः कंकाल या इंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है। आइए क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा को भी हम चार क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है क्लास एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एबीज और चौथा मैमेलिया। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम सुपर क्लास पीसेस के विषय में बात करें। तो द टर्म पीसेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पीसिस व्हिच मींस फिश, अर्थात ये लैटिन भाषा के शब्द पीसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बच्चों फिश। ठीक बच्चों, दे आर फिश आर फिश लाइक aquatic ऑर्गेनिज्म विथ पेयर्ड दैट इज द lateral as well as the median unpaired fins, gills and scales। अर्थात क्या इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों सुपर क्लास पीसेस का टेट्रापोडा से क्या डिफर कैरेक्टर्स है, वो ये है कि ये फिश अर्थात मछली या मछली जैसे दिखने वाले जलीय ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं जिनमें पेयर्ड अपेंडिजेस के रूप में अर्थात क्या पाए जाते हैं बच्चों पेयर्ड में, अभी आपको आगे हम बताएंगे, अर्थात इसमें पेक्टोरल एंड पेल्विक फिंस जो होती हैं वो वेंट्रोलेटरली होती हैं और पेयर्ड पाई जाती हैं अर्थात जोड़े में होती हैं, और मीडियन के रूप में इसमें मीडियल एनल या फिर वेंट्रल फिंस के रूप में होता है, और इनमें क्या पाए जाते हैं बच्चों गिल्स पाए जाते हैं, और इनका जो स्किन होता है वो स्केल से ढका होता है। तो इनमें गिल्स का पाया जाना और स्केल युक्त स्किन का पाया जाना और अपेंडिजेस के रूप में फिंस का पाया जाना यह है इनका स्पेशल कैरेक्टर इन द कंपैरिजन ऑफ द टेट्रापोडा, अर्थात सुपर क्लास टेट्रापोडा से कैसे डिफर है बच्चों, इनमें पेयर्ड अपेंडिजेस के रूप में फिंस पाए जाते हैं और इनमें और क्या पाया जाता है बच्चों गिल्स पाया जाता है और स्केली स्किन्स पाई जाती है। तो ये इनका स्पेशल कैरेक्टर्स है बच्चों। जिस ब्रांच के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी माने क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिशेस इज नोन एज द इक्थियोलॉजी। अर्थात इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम सभी जितने संसार में जितनी मछलियां होती हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों अब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जानते हैं कि पीसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो दे आर द लार्जेस्ट सुपर क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इन द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ द स्पीसीज। बच्चों इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम सब फाइलम के रूप में देखें बच्चों तो सब फाइलम के रूप में कार्डेटा का सबसे बड़ा सब फाइलम जो होता है वो होता है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में अगर बच्चों देखा जाए तो सुपर क्लास में सबसे बड़ा सुपर क्लास जो होता है वो होते हैं पीसेस। किसके टर्म में, अर्थात स्पीसीज जातियों की संख्या के आधार पर, अर्थात पीसेस की संख्या जो है टेट्रापोडा से ज्यादा है, अर्थात जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा अगर सुपर क्लास है तो वो क्या है बच्चों, पीसेस है। अर्थात पीसेस इज द लार्जेस्ट सुपर क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स।
फर्स्ट इवॉल्व वर्टिब्रेट्स हैविंग जॉज अर्थात पृथ्वी पर ओरिजिनेट होने वाले सबसे पहले वर्टिब्रेट हैं जिनमें जबड़ा देखा गया। बच्चों क्या है फर्स्ट इवॉल्व वर्टिब्रेट्स हैविंग जॉ अर्थात जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और वर्टिब्रेट्स का उदय हुआ, कशेरुकियों का उदय हुआ, तो उस समय जबड़े युक्त अगर कोई कशेरुक देखे गए तो वो कौन देखे गए, पीसेस देखी गई, मछलियां देखी गई। ओरिजिनेटेड इन ऑर्डोविशियन पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक एरा अर्थात ये जो है इनका जो उदय हुआ है बच्चों वो पैलियोजोइक एरा के ऑर्डोविशियन पीरियड्स में माना जाता है। पैलियोजोइक एरा के ऑर्डोविशियन पीरियड्स में मछलियों का उदय माना जाता है। द फर्स्ट फिश इवॉल्व वॉज ऑस्ट्रेकोडर्माई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, पिछले वीडियोज में हम आपसे बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि मछलियों के जो पूर्वज कहे जाते हैं वो अग्नेथा के क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई के मेंबर्स को कहते हैं क्योंकि वो अब विलुप्त प्राय हो गए हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनमें ही मछलियों जैसे करेक्टर्स दिखाई दिए थे, इसलिए ऑस्ट्रेकोडर्माई जो है वो इनका पूर्वज कहा जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात फिश के पूर्वज कौन है, ऑस्ट्रेकोडर्माई। आइए बच्चों और इनके और कैरेक्टरिस्टिक के विषय में हम पढ़ते हैं और देखते हैं। दे आर aquatic, फ्रेश वाटर आर मेरीन, हर्बीवोरस आर कॉर्निवोरस वर्टिब्रेट्स, मेंटेन्स टू ट्रॉपिक लेवल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जलीय होते हैं और जलीय बच्चों या तो ये स्वच्छ जल में पाए जाएंगे या फिर समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये बच्चों क्या होते हैं, नेचर से कैसे होते हैं, हर्बीवोरस अर्थात शाकाहारी होते हैं या फिर कॉर्निवोरस मांसाहारी भी होते हैं। ठीक बच्चों, मेंटेन्स टू ट्रॉपिक लेवल, बच्चों आपको पता होगा कि मछलियां जो होती हैं कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स होती हैं, अर्थात वो क्या करती हैं, फाइटोप्लैंक्टन माने कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधों को खाती हैं, इसके आधार पर उनको हम क्या कह सकते हैं, हर्बीवोरस, और कुछ बड़ी मछलियां जो होती हैं वो छोटी मछलियों का शिकार करती हैं, तो ये क्या होते हैं बच्चे, हर्बीवोरस भी हो सकती हैं और कार्निवोरस भी हो सकती हैं। इस प्रकार से ये अगर हम ये देखें तो पूरे ट्रॉपिक लेवल में दो प्रकार की श्रृंखला को मेंटेन करते हैं, दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला को मेंटेन करेंगे, एक तो ये हर्बीवोरस के रूप में पाए जाएंगे और दूसरा क्या होंगे, कार्निवोरस के रूप में पाए जाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी जो होंगी वो छोटी मछलियां होंगी, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं इसलिए वो क्या कहेंगे, मांसाहारी कही जाएंगी। पीसेस आर ओविपैरस, ओवोविविपैरस, पाइक्लोथर्मस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या एनामनियोट। तो बच्चों पीसेस जो होती हैं वो अंडे जो अर्थात अंडे देने वाली होती हैं या फिर अंडे और बच्चे दोनों, अभी इसके विषय में बच्चों आगे बात करेंगे, अर्थात इनमें जो होता है अंडे का फॉर्मेशन इनके शरीर के अंदर होता है और अंदर इनके पेट के अंदर ही अंडा हैचिंग करके बच्चे के रूप में अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात ये बच्चा बाहर आता है, पहले इनके शरीर के अंदर ही जो ओवा होता है सॉरी अंडा जो होता है वो हैचिंग करता है, हैचिंग करने के बाद बच्चे के रूप में वो बाहर आता है। ये बच्चों पाइक्लोथर्मस होते हैं, पाइक्लोथर्मस माने बच्चों ये होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं अर्थात इक्टोथर्मिक होते हैं, अर्थात ये अपना इनका जो बॉडी कंसंट्रेशन बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों वो साल भर कॉन्स्टेंट बना रहता है, अर्थात इनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएट सॉरी इनका बॉडी टेम्परेचर बच्चों सॉरी इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो साल भर वेरिएट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे बाहर का तापमान होता है उसी प्रकार से इनके बॉडी का टेम्परेचर वेरिएट करता रहता है, तो ये पाइक्लोथर्मिक होते हैं बच्चों, अर्थात इनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है बाहर के कंडीशन से, तो इक्टोथर्मिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बॉडी यूजुअली स्पिंडल शेप्ड स्ट्रीमलाइंड एंड डिवाइजिबल इनटू द हेड ट्रंक टेल एंड टेल, नेक इज एब्सेंट। बच्चों इनका जो बॉडी होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप मतलब नौका आकार का होता है अर्थात नुकीला होता है, स्ट्रीमलाइन होता है बिल्कुल सीधी लाइन, इनका जो शरीर होता है बच्चों वो हेड ट्रंक और टेल में विभक्त होता है, इनमें नेक का अभाव होता है, क्या नहीं पाया जाता है बच्चों, इनमें नेक नहीं पाया जाता है, चाहे जो मछलियां होंगी उनमें नेक का अभाव होता है। तो बच्चों वीडियोस बड़ा होता जा रहा है इसलिए अगला कैरेक्टरिस्टिक हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।